वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय एंड यू आर वाचिंग मरीन बुक 28। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीपी रेटिंग करने के बाद में सेकंड मेट एग्जाम के लिए जब हम जाते हैं तो उस टाइम पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो हम कभी कभी गलती से भूल जाते हैं। तो वो अगर आप चीज भूल गए और उस टाइम पे आपको तो सेकंड मेट एग्जाम आप नहीं दे सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है जहाज पे और तो आप सेकंड मेट एग्जाम दे ही नहीं सकते हो। आपका जो असेसमेंट होगा उसमें आप क्वालिफाई नहीं होगे एमएमडी में। वो क्या है, वो जब आप ड्यूटी करते हो, आप जहाज में ड्यूटी करते हो, आपको जो सी टाइम होता है सेकंड मेट के लिए, अब मैं क्रू के लिए बात कर रहा हूँ जो रेटिंग बैकग्राउंड से जाते हैं, अगर आपने जीपी रेटिंग किया है डेक डिपार्टमेंट में हो आप, तो वहाँ पे जब आप 36 महीने जो सी टाइम है आपका वो कंप्लीट किया हुआ है, आप उस टाइम पे आप सेकंड मेट एग्जाम दे सकते हो। तो 36 महीने का जो सी टाइम है उसमें सी टाइम के दौरान में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 6 महीने की आपकी इंक्लूडिंग ब्रिज सुपरवाइज ड्यूटी वॉचकीपिंग की होनी चाहिए। आप 6 महीने कम से कम जहाज पर वॉचकीपिंग ड्यूटी होनी चाहिए आपकी ब्रिज में, तब आप जाके सेकंड मेट का जो असेसमेंट होगा उसके लिए क्वालिफाई होगे। जीपी रेटिंग करने के बाद में 36 महीने टोटल होते हैं और 36 महीने में ही जब आप जहाज पर रहते हो उसी टाइम पर आपको 6 महीने की कम से कम जो ब्रिज में वॉचकीपिंग ड्यूटीज होती हैं आपकी, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर ऑफिसर। तो किसी भी सीनियर ऑफिसर के अंडर में आप सुपरविजन में वहाँ पे आप जब ड्यूटी करेंगे तो उसका आप वहाँ से एक लेटर ले लीजिए कि मैंने यहाँ पे ड्यूटी की है 6 महीने तक, तो ब्रिज में वॉचकीपिंग ड्यूटीज की हैं आपने, तभी आप वहाँ पे सेकंड मेट एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो गए। अगर आप इंडिया से दे रहे हो तो मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 36 महीने से सी टाइम होगा उसमें 6 महीने इंक्लूडिंग होगी आपकी क्या, ब्रिज वॉचकीपिंग ड्यूटीज। तो ब्रिज वॉचकीपिंग ड्यूटीज होंगे वो, उसका आपको वहाँ से लेटर मिल जाएगा, लेटर लेके आइए जहाज से और वहाँ पर आपके असेसमेंट में उसको लगा दीजिए, तो आप असेसमेंट के लिए क्वालिफाई हो। ये है सेकंड मेट के लिए। अब सेम डेक कैडेट्स के लिए भी ऐसे ही होता है सेम, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती हैं सेकंड मेट एग्जाम के लिए, चेकलिस्ट क्या होती है, वो सब चीज़ के बारे में। ये जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसीलिए मैंने वीडियो बना के डाल दिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।